नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के इन 20 शहरों का बनेगा मास्टर प्लान। बिहार के सिर्फ 2 जिले में मिले कोरोना पॉजिटिव मामले। बिहार सरकार ने इन 27 कारखानों को बताया खतरनाक। झारखंड की इन 6 कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगी बिहार सरकार। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आधी रात को हुई खत्म, शर्तों के साथ माने डॉक्टर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सिर्फ 2 जिलों में मिले कोरोना पॉजिटिव मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 84 पर पहुंच गई है। वहीं अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 3 और सिवान में 2 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,05,914 सैंपल की जांच की गई, वहीं 6 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आधी रात को हुई खत्म, शर्तों के साथ माने डॉक्टर। बिहार के 9 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद रात को ही जूनियर डॉक्टरों ने अपने हड़ताल को खत्म कर दिया। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल करने के साथ ही इन अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो सकी। मिली जानकारी के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर के आश्वासन के बाद स्ट्राइक को वापस लिया गया है। साथ ही इंटर्नों के स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए 15 जनवरी 2022 तक का समय मांगा गया है। हालांकि इसके बाद उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर उनकी मांगों को पूरी तरीके से नहीं माना गया तो वो फिर से हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। बिहार में 8,000 टोलों में जल्द बनेगी पक्की सड़कें। राज्य के 8,000 टोलों को जल्द ही पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर के राज्य सरकार ने अपना सर्वे करवा लिया है। इसको लेकर 9,000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण जल्द ही किया जाना है, जिस पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। बता दें कि बीते दिन ही जनता दरबार के आयोजन के दौरान सीएम नीतीश ने गांव के अंदर और टोलों में सड़क बनाने के कई मामले सामने आए थे। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसको लेकर एक योजना बनाई जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि जो टोल बच गई हैं उन्हें चिन्हित कर वहां भी पक्की सड़क का निर्माण करवाया जाए। निचली अदालतों में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पटना हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब। सूबे के तमाम निचली अदालतों में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर कोर्ट ने बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा की तरफ से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट को अध्यक्ष ने बताया है कि पूरे राज्य के सिविल कोर्ट सहित अनुमंडल न्यायालयों में इसकी तुलना में कोर्ट रूम नहीं है, जिसके लिए न्यायालयों का गठन किया गया। उनके लिए किसी भी निचली न्यायालयों में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहां तक कि उनके लिए शौचालय तक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सूबे की कई निचली अदालतों में महिला वकीलों और महिला मुवक्किलों के लिए शौचालय नहीं है, उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें खुले आसमान के नीचे बैठकर न्यायिक कार्य में सहयोग करना होता है, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं लाइब्रेरी नहीं है। उनका कहना था कि सिविल कोर्ट में सब्सिडाइज्ड रेट पर कैंटीन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। बिहार में सर्द हवाओं ने बढ़ाई कपकपी। बिहार के पहाड़ी इलाकों में लगातार सर्द पछुआ हवा का प्रवाह जारी है। लगातार दूसरे दिन प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, जबकि अधिकतम तापमान आंशिक रूप से चढ़ रहा है। लगातार पारा गिरने से सूबे के 10 से 12 जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी भाग के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय के एक या दो स्थानों पर शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का वार्षिक सम्मेलन संपन्न। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन दिल्ली में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में अरुण गुप्ता, ब्रजेश गोयल, GAPT राष्ट्रीय सचिव नवनीत कृष्णा, नरेश गुप्ता आदि ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। देश विदेश से 400 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सामाजिक काम करने के लिए बिहार से डॉक्टर सुजीत कुमार को सोशल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वहीं इस समारोह में 4 चांद लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अंकुश दहिया, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता, ट्रेन एंड चैम्बर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल शामिल हुए थे। वहीं ग्लोबल एसोसिएशन पर फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात रंजन ने दिल्ली में फिजियोथेरेपिस्ट की समस्याओं पर चर्चा की। वहीं GAPT के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर मोहंती ने भी स्वागत संबोधन दिया। वहीं GAPT
बिहार इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को बिहार में फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने में जीएबीटी राष्ट्रीय सचिव नवनीत कृष्णा, डॉक्टर मयंक पुष्कर, डिंपल मोदी, डॉक्टर पूजा तिवारी और महिला इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर सीता सिंह की भी अहम भूमिका रही। बिहार सरकार ने इन 27 कारखानों को बताया खतरनाक। बिहार के 27 कारखानों को लेकर बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत श्रम संसाधन विभाग ने ऐसे 27 कारखानों को खतरनाक श्रेणी में वर्गीकृत किया है। वर्गीकरण के साथ विभाग ने इस श्रेणी के कारखानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के लिए संचालकों को विशेष उपाय करने को कहा है। ऐसा नहीं करने वाले कारखाना संचालकों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिहार सरकार ने बिजली संयंत्र बनाने की फैक्ट्री हो या पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन हो, शीशे का निर्माण हो या फिर अति ज्वलनशील पदार्थों का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों को शामिल किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 2 दर्जन से अधिक कार्यों को खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। इसमें कांच विनिर्माण, धातु की पिसाई या पॉलिश, शीशे और शीशे के यौगिक विनिर्माण, कच्ची खालों या चमरों की लाइमिंग को खतरनाक श्रेणी में डाला गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने की बड़ी कार्रवाई। मगध विश्वविद्यालय में घोटाले का मामला बीते कई दिनों से मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लेकर स्पेशल विजिलेंस इकाई भी लगातार काम कर रही है, जिसके तहत इस इकाई ने गया से मगध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है, जिसके बाद उसे तत्काल प्रभाव से हटाने का काम कर लिया गया था। अब विजिलेंस ब्यूरो ने मामले में यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार समेत 4 गिरफ्तारी की है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ 20 करोड़ से अधिक की अवैध खरीदारी का आरोप है। इसके बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने कुलपति राजेंद्र प्रसाद के गोरखपुर स्थित पैतृक आवास और बोधगया में भी छापेमारी की। बिहार के 2 भ्रष्ट अधिकारियों पर ईओयू ने की छापेमारी। बिहार सरकार के नाक के नीचे गड़बड़झाला करने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि हर दिन कोई न कोई आर्थिक अपराध इकाई के हत्थे चढ़ी जा रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार में गड़बड़ करने वाले अधिकारियों पर निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा लगातार कार्रवाई के क्रम में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम के 2 अधिकारियों के ठिकानों पर ही छापेमारी की गई। पटना के तत्कालीन मोटरयान निरीक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह और तत्कालीन अंचलाधिकारी वकील प्रसाद सिंह के ठिकानों पर छापेमारी का काम किया गया। खबर लिखे जाने तक छापेमारी की जा रही थी। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच के क्रम में मृत्युंजय कुमार सिंह के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का पता चला। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक मृत्युंजय कुमार सिंह ने आय से ज्ञात स्रोतों से 531% अधिक धन इकट्ठा की है। बिहार के इन 20 शहरों का बनेगा मास्टर प्लान। बिहार के प्रमुख शहरों का प्लानिंग एरिया तय हो गया है, जिसके तहत ही अब मास्टर प्लान बनाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर सीतामढ़ी, लखीसराय समेत 9 शहरों का भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस तकनीक से पूरे प्लानिंग एरिया की वास्तविक मैपिंग का काम किया जाएगा। इसमें जमीन, सड़क, प्रॉपर्टी की स्थिति आसानी से पता चलेगी। ऑनलाइन व्यवस्था होने से आम आदमी भी एक ही क्लिक से आसानी से जमीन उपयोग को स्क्रीन पर देख सकेगा। इसके लिए 17 जनवरी तक नगर विकास एवं आवास विभाग ने ऑनलाइन आवेदन करने की बात कही है, जिसकी हार्ड कॉपी 18 जनवरी तक विकास भवन स्थित विभाग के मुख्यालय में जमा करनी होगी, जिसमें कि बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, सिवान, बेतिया और बघा आदि शामिल है। रेल यात्रियों को 1 जनवरी से इन एक्सप्रेस ट्रेनों में मिलने लगेंगे सामान्य टिकट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोरोना काल के दौर में जहां रेलवे ने काफी नुकसान सहा था, वहीं यात्रियों को भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है, वैसे वैसे रेलवे भी यात्रियों के लिए अपनी व्यवस्था को नए सिरे से पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया है, के तहत ही नए साल में बिहार के रेल यात्रियों को रेलवे बड़ी सुविधा देने जा रहा है। 1 जनवरी से छपरा लखनऊ एक्सप्रेस सहित 18 ट्रेनों के जनरल कोच में कोविड-19 को ध्यान में रखकर अनारक्षित टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। वाराणसी रेल मंडल क्षेत्र में आने वाली 18 ट्रेनों में कोविड-19 को ध्यान में रखकर जनरल कोचों के लिए अनारक्षित टिकट मिलने लगेंगे, जिससे यात्रियों को एक बार फिर से सहूलियत मिलने वाली है। झारखंड की इन 6 कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार की वित्तीय एजेंसी झारखंड में स्थित संपत्ति की नीलामी अब करने जा रही है, जिसके तहत सरकार 6 कंपनियों को नीलाम करने की योजना बना रही है, क्योंकि इन कंपनियों ने राज्य सरकार की बिहार साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड का कर्ज नहीं चुकाया है। इसके जरिए बिहार सरकार डूब रहे कर्ज को वापस कराएगी। नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया 11 जनवरी तक की जाएगी। बिहार साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की तरफ से इसको लेकर सेल नोटिस जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीलामी के लिए चुनी गई कंपनियों में 3 सीमेंट कंपनियां हैं, वहीं 1 मशीन उपकरण बनाने वाली कंपनी और 1 एलपीजी सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है। नीलामी के लिए तैयार की गई 7 कंपनियों की सूची में झारखंड की 6 कंपनियों के अलावा बिहार में औरंगाबाद की मगध स्मोकलेस कोकिंग कोल
लिमिटेड भी है। भाजपा नेता का विवादित बयान, मांझी की जुबान काटने वाले को दूंगा 11 लाख। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर दिए बयान के बाद से माफी मांग ली है, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत तेज है, लेकिन यह मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। उनके खिलाफ बिहार में के थानों में केस दर्ज किए गए थे। बता दें कि इस मामले को लेकर भाजपा नेता गजेंद्र झा ने विवादित बयान दिया है। मांझी पर हमला करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मांझी की जुबान काटेगा उसे 11 लाख का इनाम देंगे। गजेंद्र झा ने कहा है कि अगर मांझी हिंदू सनातन धर्म को नहीं मानते हैं तो उन्हें धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। जो भी ब्राह्मण का बेटा समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मांझी की जुबान काटेगा उसे यह इनाम जरूर दिया जाएगा। अभिनेत्री राखी सावंत के पति रितेश राज के खिलाफ बिहार में केस दर्ज। राखी सावंत इन दोनों बिग बॉस के घर में नजर आ रही है और वो अपने पति रितेश राज के साथ आई है। हालांकि राखी सावंत तो लोगों का मनोरंजन कर ही रही है, लेकिन उनके पति रितेश राज की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि उनकी पत्नी जो घर के बाहर है उन्होंने आकर के बवाल खड़ा कर दिया है। इसी बीच बिहार में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत रितेश की पत्नी के भाई ने एसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। उसने आरोप लगाया है कि उनकी बहन स्निग्धा प्रिया की शादी 1 दिसंबर 2014 को हुई थी। इधर 10 दिन पहले टीवी पर बिग बॉस सीरियल में रितेश राज ने अपने को राखी सावंत का पति बनाकर प्रस्तुत किया है, जिसके बाद नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्रिकेट से दूर नए अवतार में दिखे रवि शास्त्री। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच का पद छोड़ने के बाद रवि शास्त्री को लेकर फैंस के मन में यही सवाल था कि वो आगे करने वाले हैं। इसको लेकर जारी सस्पेंस को उन्होंने अब खुद बढ़ा दिया है क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने एक प्रोमो रिलीज किया है जिसमें शास्त्री किचन में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने के बाद फैंस कंफ्यूज हैं कि वो क्या करने वाले हैं। हाल ही में यूएई में हुआ टी20 वर्ल्ड कप बतौर हेड कोच उनका आखिरी टूर्नामेंट था, जिसके बाद राहुल द्रविड को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया है। स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें शास्त्री खुद के द्वारा बनाई गई डिश को चखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में लिखा है, कुछ तो पक रहा है, बताइए रवि शास्त्री किस लिए इधर आए हैं। जानकारी के लिए बने रहिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गजेंद्र कुमार, शौकत रजा हिंदुस्तानी, राहुल कुमार, मोहम्मद आलम, मोहम्मद शहबाज, पीयूष गेमिंग, राम कुमार यादव, शिव नारायण सदा, नन्नू कुमार, काशिफ रजा, अर्चना कुमारी, नीरज कुमार, छोटू कुमार, महासेठ माइकल ऑफिशियल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में किस सरकार ने अब तक सबसे ज्यादा विकास का काम किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।